श्री गणेशाय नमः। दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भविष्य नक्षत्र में। यह चैनल हमारे दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं के उपाय और अपने जीवन को समृद्ध और सुखी बनाने के उपाय के बारे में है। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, जो कि लाल होगा और आपके क्लिक करने के बाद ग्रे रंग का हो जाएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले मेरे वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। आज का वीडियो और मेरे आने वाले दो वीडियो धन लाभ के बारे में होंगे। धन लाभ जिसके लिए हम पूरे जीवन ही प्रयासरत रहते हैं। पहला वीडियो उन सभी के लिए होगा जो अपने जीवन में धन लाभ को चाहते हैं। दूसरा वीडियो मेरा केवल व्यापारी भाइयों के लिए होगा जो व्यापार में किसी भी प्रकार का नुकसान झेल रहे हैं। वह मेरा उपाय करने से व्यापार में सुख समृद्धि और जिसे कहते हैं कि व्यापार वृद्धि, उसको लेकर आएगा। तीसरा मेरा वीडियो जो नौकरी पेशा मेरे भाई हैं उनके लिए होगा और उनकी आमदनी आए और उनकी जो भी उनकी मासिक वेतन है उसमें वृद्धि के लिए, या ये कह लीजिए प्रमोशन के लिए होगा। मित्रों, आज का मेरा वीडियो यहाँ शुरू करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगा। यह उपाय सभी कर सकते हैं, चाहे वह व्यापारी वर्ग से हों या नौकरी वर्ग से। किसी भी प्रकार की आय में आमदनी बढ़ाने और लक्ष्मी को घर लाने का यह उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। मित्रों, बहुत ही छोटा सा उपाय है। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी श्रद्धा की कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में, अपनी तिजोरी में किस प्रकार पाना चाहते हैं। मित्रों, बहुत ही आसान सा उपाय है। करना आपको यह है कि शुक्रवार के दिन आप प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके माता रानी श्री लक्ष्मी जी के चरणों में आसन जमा लें। आसन यदि कंबल का हो तो बहुत अच्छी बात। आसन पर बैठकर आप माँ लक्ष्मी से एक संकल्प कर लें कि हे माँ, मैं यह पूजन आपकी प्राप्ति के लिए आपके अपने घर में वास करने के लिए कर रहा हूँ। संकल्प करना किसी भी व्रत अथवा पूजा में इसलिए आवश्यक है कि भगवान को आप अपना भाव बता दें कि आप कोई भी व्रत अथवा पूजन किस लिए कर रहे हैं। जब तक आप भगवान को पूजा से पहले यह नहीं बताएंगे कि आप किस चीज़ की प्राप्ति के लिए यह पूजा अथवा व्रत कर रहे हैं, तब तक उस व्रत का पूरा लाभ या उस पूजन का पूरा लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। तो सर्वप्रथम आप माता रानी के चरणों में बैठकर यह संकल्प कर लें कि हे माता रानी, आप मेरे घर में, मेरे व्यापार में, मेरे काम में और मेरी आय में वृद्धि करें और मेरे घर में विराजें। हे माँ, मैं यह पूजन आज आपके आशीर्वाद से पूरा कर रहा हूँ ताकि मुझे धन की प्राप्ति हो। ऐसा संकल्प करने के बाद आप एक दिया माँ लक्ष्मी के चरणों में जलाएं और सिर्फ एक लाल कपड़ा लें। उस लाल कपड़े को लेकर इस प्रकार अपने हाथों में रखें और माँ के आगे हाथ फैलाएं। हे माँ, मैं यह पूजन कर रहा हूँ और इसके अंदर जो भी मैं धन की प्राप्ति, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता हूँ, मुझे प्रदान करें। इस लाल कपड़े में आप एक फूल वाली लौंग, यानी कि साबित लौंग, जो कहीं से भी छह ना हो रही हो, टूट ना रही हो, और उसके ऊपर की इस जिसे फूल कह रहा हूँ, यह एक पूरी लौंग हो, जैसे कि इसमें कोई हानि ना हो, इसी प्रकार आपके व्यापार में, आपके काम में, आपकी आय में भी कोई हानि नहीं ही होगी। इसको इस लाल कपड़े में बांध कर आप माता रानी से आज्ञा लें कि हे माँ, मैं इसको अपनी तिजोरी में रख रहा हूँ और आप वहीं विराजें। आप नौकरी पेशा हैं तो भी जहाँ अपना धन, अपनी आय, अपनी आमदनी को रखते हैं वहाँ इसको रख दें, और यदि व्यापार में हैं और जहाँ से व्यापार से आप जो भी कमा कर लाते हैं और उस धन को जिस तिजोरी में, जिस जगह पर रखते हैं, उसमें उत्तर दिशा की ओर इस वस्त्र को, लाल वस्त्र को लौंग के साथ बांध कर उत्तर दिशा की ओर अपनी तिजोरी में रख दें। मित्रों, इस पूजन के दौरान
आपको सिर्फ 108 बार यानी कि एक माला श्रीम ब्रिजी श्रीम ब्रिजी श्रीम ब्रिजी इस मंत्र का उच्चारण करना है। मित्रों, इस मंत्र का उच्चारण माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न करने वाला है। मित्रों, यदि अन्य किसी भी मंत्र या जाप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो उसके मुकाबले इस मंत्र का कुछ अलग ही विचार है। यह बहुत ही जल्दी माँ को खुश करता है और माँ लक्ष्मी हमारे घरों में वास करने आ जाती हैं। समय समय पर यह देखा गया है कि भक्त की भक्ति से भगवान धरती पर आ गए हैं। आपकी भक्ति में भी वही दम वही इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में वास करने के लिए मना लें। इस इच्छा शक्ति और इस पूजन के द्वारा हमारे घरों में ज़रूर माँ लक्ष्मी वास करेंगी, हमारे व्यापार में हमारी आय में वृद्धि करेंगी। इस पूजन से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेंगी और आपके व्यापार में अथवा आपकी आय में वृद्धि करेंगी। जो भी आपकी आय का साधन हो, जो भी आप कमाते हो, उत्तर दिशा में इस पोटली को रख दें। आप देखेंगे कि दिन दूनी और रात चौगनी, जिस कहावत का आपने सिर्फ नाम ही सुना है, वह होने लगेगा। दिन दूनी और रात चौगनी कमाई आपकी होने लगेगी। मित्रों, इस वीडियो से आपको यह तो लाभ मिल ही जाएगा कि आप किसी भी व्यापारी वर्ग के हों अथवा नौकरी पेशा हों, आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य हो जाए। किंतु आने वाले दो वीडियो में मैं अलग अलग ऐसा उपाय व्यापारी वर्ग के लिए अलग और नौकरी पेशा मेरे भाइयों के लिए अलग ऐसा दे दूंगा कि दोनों को ही अलग अलग इससे भी ज़्यादा लाभ होंगे। यह वीडियो में जो उपाय बताया है यह तो कर ही लें, इसके बाद वाले वीडियो में जो मैं आपको अलग अलग उपाय देने वाला हूँ उसके अंदर वह उपाय कर लेने से जो भी वर्ग आपका है उसके अंदर उन्नति आपको अवश्य मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में प्रमोशन किस प्रकार होता है आने वाले मेरे वीडियो में देखें। इसके लिए सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दें। यदि आपके कोई सवाल ऐसे हैं जो आपकी कुंडली से संबंधित हैं, वह मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें अथवा व्हाट्सएप नंबर जो मेरा पूरे वीडियो में चल रहा है इस पर पूछ लें। मैं आपके सभी सवालों के उत्तर दूंगा और आपके लिए जो भी उचित और उत्तम उपाय होंगे वह आपको दूंगा। मित्रों, यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।